रास्ते का नाम है भाई ताराकोट, वो लिखो हो सामने न्यू ट्रैक। भाई अभी पहुंचे हैं अर्धकुंवारी पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई। आज है हम वैष्णो देवी कटरा में, तो आज यात्रा करेंगे यहाँ से वैष्णो देवी माता की कटरा की। तो ऊपर अभी यहाँ से भवन के लिए जा रहे हैं भाई, और सुबह टाइम हुआ, अभी टाइम आप देख सकते हैं 3:58 अभी हुई हैं, तो सुबह 4 का टाइम है। अभी यहाँ से यात्रा पर्ची भी लेनी है, तो चलते हैं। यहाँ से लेट हो चुके हैं काफ़ी, 2 उठे थे भाई, 5 मेंबर से नहाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी यहाँ से चलते हैं। जो यात्रा पर्ची भी हमने कल बनवाई थी ना, वो हमारी चलेगी नहीं आज, क्योंकि वो 6 के लिए वैलिड थी, अभी दोबारा नई बनवानी पड़ेगी। तो चलते हैं यहाँ से, पहले यात्रा पर्ची बनवाते हैं। तो एक बार जोर के बोलेंगे सारे, जय माता दी। भाई सुबह सुबह का माहौल देखो कटरा का, कितनी शांति है यहाँ सड़कों पे। मेन रोड है ये, जो बस स्टैंड की तरफ जाता है वो मेन रोड है। देखो कितनी शांति है सुबह, और भाई 4 भी ना सुबह दुकानें खुली हैं, सुबह सुबह 4 भी देखो आप। भाई अभी टाइम देख सकते हैं आप, 4:07 हुई है, और अभी भी लोग देखो सड़कों पे खड़े हैं। जो ऊपर यात्रा करना चाहते हैं ना, अभी सुबह सुबह जल्दी उठ लिए हैं लोग, चाय वगैरह पी रहे हैं, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सभी। सामने का सीन देखो भाई आप, लाइटें किस तरह से दिख रही हैं, ऊपर माता का जो ट्रैक है पूरा दिख रहा है यहाँ से। ये है भाई यहाँ का मेन बाजार, वेलकम टू मेन बाजार कटरा। ये मेन चौक है, और यहाँ पे सामने है बस स्टैंड, मेन चौक के ऊपर ही बस स्टैंड है सामने। यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऊपर माता का भवन, देखो भाई सामने। यह आ गया टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, यहाँ से लेते हैं पर्ची अपनी। जहाँ से आपको आई कार्ड मिलेगा ना भाई, उसकी बैक साइड में ये यहाँ बस स्टैंड है, कटरा का मेन बस स्टैंड। इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये नया ट्रैक है, और यहाँ से लगभग 7.5 के आसपास पड़ेगा ऊपर, तो इसमें थोड़ा सा स्लोप है, ये ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, सीधा सा है थोड़ा, इसलिए इस रास्ते से आए हैं। नया रास्ता इस बार आपको दिखाएंगे। तो भाई ये है भवन का रास्ता, नया रास्ता जो है वो ये रास्ता है, इस रास्ते से जाएंगे आज ऊपर। इस रास्ते का नाम है भाई ताराकोट, वो लिखा हुआ सामने न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। इस रास्ते की मेन बात है वो ये है कि इस रास्ते में आपको घोड़े नहीं मिलेंगे कहीं भी, साफ सुथरा रास्ता मिलेगा सारा। यात्रा शुरू कर दिया भाई, जय माता की। जय माता की बोलो एक बार सारे। जय माता की, दरबार की जय। माता के भवन पर रास्ते से सीन है देखो कटरा का, ये नीचे कटरा के नजारे देखो अब, लाइटिंग में सुबह सुबह का सीन है, कैसा दिखता है भाई कटरा। नवग्रह वाटिका, यहाँ पे एक वाटिका है भाई, सुबह होगी वापसी में आपको दिखाएंगे दिन में, अभी तो अंधेरा है यहाँ। अभी भाई टाइम हो चुका है सुबह के 6 हैं, और हल्की हल्की सी बरसात शुरू हो चुकी है यहाँ पे, देखो सामने आपको बादल दिखाई देगा। सुबह सुबह भी ना गर्मी बहुत लगी है यहाँ पे, और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा वो सामने ऊपर, वो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था भाई कि ये भवन है, मगर ये भवन नहीं है भाई, ये है अर्धकुंवारी। तो अभी तो अर्धकुंवारी ही काफ़ी दूर है, 3 के करीब हमने अपना रास्ता तय कर लिया है, बाकी कभी करेंगे धीरे धीरे, सारा कुछ आपको दिखाते चलेंगे। हेलो, जय माता दी भाई। भाई देखो यहाँ का सीन देखो आप, कितना प्यारा सीन है, सुबह सुबह अभी 6 हैं, 6:10 हुई हैं, और मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा व्यू है भाई। और बाकी मेंबर हैं जो हमारे, वो डगा साहब हमारे पीछे रह के चल चुके थे, देखो आ रहे हैं अभी, और यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना प्यारा व्यू है, कितना शानदार व्यू है यहाँ का। और ये देखो क्रिस के पोज देखो आप, 3 की चढ़ाई चढ़ने के बाद क्रिस ऐसे पोज दे रहा है भाई, हिम्मत है इसकी, क्योंकि थक जाते हैं भाई। तो इस तरह का व्यू है देखो यहाँ पे, क्या सीन है भाई, यौसम नज़ारे, पहाड़ों में बादल घूमते हुए, अलग ही नज़ारा है। ये देखो भाई एक यहाँ पे वाटिका, ये कितनी प्यारी वाटिका है, दिखाता हूँ आपको,
और ये देखो कितना पुराना पेड़ है यहाँ पे बीच में एक, ये पेड़ देखो आप। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ओ भाई क्या शानदार व्यू है ना। देखो इस रास्ते से आने का ये फायदा है भाई, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे बीच में। कितनी प्यारी सुंदर जगह है भाई, ये देख सकते हैं आप भाई। ये वो रास्ता है जो अभी नया चालू हुआ था एक साल पहले, ताराकोट, ताराकोट बोलते हैं इस रास्ते को। जो दूसरा रास्ता है यहाँ ऊपर भवन पर आने का वो है बाणगंगा वाला, मगर हम बाणगंगा वाले रास्ते से नहीं आए, ये नया रास्ता इस पे, ये दूसरी वाटिका है, पहले वाटिका थी वो उसमें हम नहीं गए, ये दूसरी वाटिका है यहाँ पे भाई। ज़बरदस्त बनाई हुई है, बड़ी प्यारी, आते ही यहाँ पे ना आपकी थकान दूर हो जाएगी भाई। जय माता दी। अभी हम जिस जगह पे रुके हैं ना भाई, इसका नाम है वाटिका, ये यहाँ जो ताराकोटी वाला रास्ता है ना उसके बीच में आती है वाटिका। एक प्यारी जगह है, सुंदर जगह है बहुत, और यहाँ आके ना आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, जो भी आपको रास्ते में थकान होगी ना वो सारी दूर हो जाएगी। ये देखो मेरे पीछे फाउंटेन है भाई, यहाँ पीछे की साइड में दिखा सानू, ये फाउंटेन है और व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ। अभी आपको मेरे पीछे दिखाता हूँ एक सीन, यहाँ का सीन देखो भाई आप, कितना प्यारा सीन है इस साइड का, क्या बात है भाई, बड़ा प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। ये आपको बता देता हूँ मैं, बाणगंगा वाला रास्ता है वो थोड़ा चढ़ाई है, उस पर घोड़े मिलेंगे, उन गोबर मिलेगा घोड़े का, तो वहाँ से मत आना भाई बदबू आएगी। ये जो रास्ता है ना ताराकोटी वाला, बहुत प्यारा सुंदर रास्ता है। अभी हम यहीं से आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है भाई, क्योंकि यदि आप वहाँ से आओगे ना घोड़े पे आना है तो आप वहीं से आओ, क्योंकि घोड़े वहीं पे अलाउड है, यहाँ पे घोड़े अलाउड नहीं है। तो ये है पैदल का रास्ता, बहुत प्यारा सुंदर रास्ता है ये, तो हम इसी रास्ते से आए हैं भाई, बड़ा मज़ा आया यहाँ से, तो बिल्कुल साफ़ और शांतिप्रिय रास्ता है। हम सुबह चले थे, ट्रैकिंग हमने शुरू की थी 4 बजे, तो अभी जो टाइम हुआ अभी 6 बजे, 6:20 हुई है, तो अभी सुबह हो चुकी है, सूर्य देवता भी निकलने वाले हैं, यहाँ पे बादल हैं, अभी सूर्य देवता नहीं निकले, पर मौसम बड़ा औसम है भाई, मौसम औसम है, अलग ही नज़ारे हैं। भाई यहाँ का व्यू देखो, अभी ना मेरे पीछे फाउंटेन भी चल गए हैं, तो भाई क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं, अलग ही बहुत, मैं अपनी जो फील है ना वो आपको बता नहीं सकता भाई, इस फील के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है ताराकोटी वाला, माता वैष्णो देवी के भवन पर पैदल यात्रा करते हुए अभी हम हैं बीच में, और अभी कंटिन्यू करते हैं अभी आगे की जर्नी, तो अभी आगे मिलेंगे आपको। भाई अभी भी आरती जो है वो चली हुई है, और आपके भाई ने 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है भाई, और अभी भी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखो गर्मी में पसीने तो आए हुए हैं, क्योंकि और ठंड भी है यहाँ, सुबह ठंड भी है, मगर चले हैं ना लगातार तो गर्मी तो लगेगी भाई, एनर्जी फुल है अभी भी। तो अर्धकुमारी पर हम पहुँचने वाले हैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बाकी है, तो अभी वहाँ जाके आपसे मिलते हैं, और रास्ते का जो प्यारा व्यू आएगा वो आपको बीच में ज़रूर दिखाएंगे। ये देखो भाई अभी सामने देखो आप, ये जहाँ से हम जा रहे हैं ना यहीं पे बादल घूम रहे हैं, ये देखो किस तरह से धुंध सी आ गई, एकदम बादल आ गए, नीचे से ऊपर दिख रहे थे कि बादल ऊपर पहाड़ पे घूम रहे हैं, अभी हम उसी जगह पे आ गए जहाँ पे बादल घूम रहे थे भाई। अभी ना इस रास्ते पे ये पहला कॉफ़ी डे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, अच्छा बना हुआ अंदर से। जो नीचे मैंने आपको जगह दिखाई थी ना वाटिका, वहाँ पे भोजनालय भी है, जिस भाई को भोजन करना होना वहाँ पे मिल जाएगा। आप नीचे से ट्रैकिंग करके ऊपर आओगे ना, तो 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद वो वाटिका आती है, वहाँ पे आपको भोजन वगैरह सारा कुछ मिलेगा, और जिसको कॉफ़ी वगैरह पीनी हो भाई वो यहाँ पी सकता है पीछे। यहाँ पे भाई बीकानेर वाला भी पहुँच गया, देखो बीकानेर वाला भी पहुँच गया यहाँ, जिस भाई को मिठाई खानी हो ना वो मिठाई भी खा सकता है। बढ़िया है भाई ये रास्ता ना, साफ सुंदर बढ़िया रास्ता है, जगह जगह पीने का पानी मिलेगा आपको, रास्ता बहुत प्यारा है भाई, ना घोड़े ना गधे यार, ना कुछ टेंशनबाजी बीच में, साफ सुथरा बढ़िया रास्ता है। ये कौन
कौन सा पक्षी है भाई ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल मोर जैसा दिखता है देखने में। देखो भाई अभी हम उन रास्तों से आए हैं, देखो वो सामने नीला नीला रास्ता दिखेंगे आपको, और वो ऐसे घूमते हुए हम आए हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ से जाएंगे वो वहाँ पे ऊपर। भाई ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ना, ये है बरसाती पानी के लिए, बरसाती पानी का नाला है ये, वो ऊपर से पानी आता है और उसके साथ पत्थर आते हैं नीचे, इस करके यहाँ पे ये जाल लगा रखा है ताकि कोई पत्थर यहाँ नीचे ना आए रास्ते पे। ये पक्षी बार बार हमें पूरे रास्ते में मिल रहे हैं भाई, और देखने में मोर जैसे लगते हैं, मगर पता नहीं इनका क्या नाम है, एक्चुअल क्या है, कौन सा पक्षी है ये आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा पक्षी है, जिसको पता है वो ज़रूर लिखना कौन सा पक्षी है ये। ये देखो भाई मौसम देखो यहाँ का। भाई अभी पहुँचे हैं अर्धकुंवारी पे, ये देखो यहाँ पे अर्धकुंवारी का निशान, अर्धकुंवारी यहाँ से ऊपर की तरफ है, भवन इस साइड है, कटरा इस साइड में है, और ताराकोट वाला मार्ग यहाँ से ये है नीचे, तो अभी इस रास्ते से जाएंगे भवन की तरफ। भाई अर्धकुंवारी से आप गए ना, घोड़े खच्चर तो चलते नहीं, ये पालकी जरूर चलती है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसमें बैठ के जाते हैं, और अभी यहाँ से आगे जो इलेक्ट्रिक कार है ना वो भी चलती हैं, तो उसका 350-354 कुछ ऐसे रुपए किराया है एक साइड का। भैया अभी नीचे देखो वो आपको सामने कटरा दिखेगा, और ये रास्ते जो ब्लू ब्लू साइड पड़ा हुआ है ना सारा, इस रास्ते से घूमकर हम नीचे से ऊपर आए हैं। देखो भाई कहाँ से ऊपर आए हैं, कहाँ से, बहुत लंबा रास्ता है भाई, 8-9 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने कर ली है भाई, बाकी अभी कर रहे हैं, अर्धकुमारी से 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं अभी। भाई अभी ये आवाज़ आप सुन रहे हो ना ऊपर, ये साइड के ऊपर ना पत्थर गिरते हैं, और ये वो जोन है जहाँ पे ज़्यादा पत्थर ऊपर से गिरे हैं, 3 तक उन्होंने तोड़ दिया। देखो यहाँ पे काफ़ी एरिया जो है ऊपर जो साइड था, काफ़ी एरिया उसको तोड़ दिया पत्थर ने ऊपर से, तो यहाँ से लिखा हुआ है कि जल्दी निकलो क्योंकि पत्थर गिरने का आसार रहते हैं यहाँ पे। भाई ये जो माता जी जा रही है ना, 92 साल इनकी एज है, और यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आई हैं यहाँ, और पैदल ट्रैकिंग कर रही हैं, देखो भाई ऊपर तक, हिम्मत है भाई माता जी की। भाई कुछ ना यहाँ पे पार से शरारती बच्चे भी आते हैं, देखो भवन यहाँ से है 1.250 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 250 मीटर, और यहाँ पे ना देखो 1 मिटा दिया इन्होंने, ऐसा लगता है कि 25 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ। ये आ गया भाई यहाँ माता का भवन सामने, 1 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से, रास्ता आप देख सकते हैं सारा इस तरह का रास्ता है ये। भाई यहाँ पे एक झूला भी चला हुआ आपको दिखाई दे रहा है कहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने, मगर ये खाली है, कोई नहीं है इसके अंदर अभी, मगर चला हुआ भाई झूला यहाँ पे। और भाई अभी खाई दिखाता हूँ आपको कितनी गहरी खाई है, ये देखो भाई बहुत नीचे, वो जो कुआं है ना सामने वो नीचे, वो तो बहुत गहरा है। लो भाई पहुंच गए हैं भवन पर अपनी आज की जो पैदल यात्रा थी, अभी टाइम हुआ 10:02, 10:02 पे हम यहाँ पहुंच गए हैं भाई, और यहाँ से ट्रॉली भी चली हुई है यार, ये कहाँ जाती है,
भाई यहाँ पे रोपवे, इतनी बड़ी रोपवे चली हुई है, पहली बार देखी है इतनी बड़ी रोपवे। अभी दिखाते हैं, जो उसमें वुडन खटला है ना, बहुत बड़ा है भाई, अभी दिखाऊंगा आपको, कोई आएगा तो। ये ऊपर से जो वायर गई है ना, ये गई है रोपवे की, और यहाँ से चली है ये रोपवे। भाई अभी पहुंच चुके हैं भवन पर, और अभी यहाँ पे लॉकर लेंगे, लॉकर में सामान रखेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे दर्शन करने। तो भीड़ काफ़ी है भाई आज भी ना यहाँ, क्योंकि सैटरडे संडे अभी लास्ट है, वीकेंड है, तो भीड़ यहाँ पे रहेगी। अभी बाकी मेंबर थोड़े पीछे रह गए हैं, वो आएंगे उसके बाद रूम लेंगे आगे। अभी वो भी ये देखो, बाकी मेंबर भी आ गए, और अभी लॉकर लेते हैं, उसमें सामान रखते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से दर्शन करने के लिए। लॉकर भी काफ़ी नीचे है भाई, काफ़ी नीचे जाके लॉकर से। ये है भाई यहाँ पे लॉकर, अपना क्या नंबर है, 27 नंबर है भाई अपना लॉकर का, रखते हैं इसमें सामान। भाई अभी का सीन ये है, अभी आए हैं भाई लॉकर से वापस, और वापस जाने की तैयारी है, यहाँ दर्शन हमने कर लिए, लॉकर से अपना सामान सारा ले लिया और वापस जा रहे हैं यहाँ से। देखते हैं रास्ते में सागर रत्न है, भूख लगी हुई है अभी, वहाँ पे खाना खाएंगे अगर सीट मिल गई तो चलते हैं यहाँ से। और यहाँ का मौसम आपको दिखाता हूँ ऊपर भवन का भी। भाई यहाँ पे आया सागर रत्ना, जहाँ से भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू होती है ना, वहाँ पे आइए। और अभी यहाँ पे दोपहर का लंच करेंगे अभी। भाई वेदर देखो यहाँ का, ऊपर माँ वैष्णो देवी भवन का वेदर, क्या मौसम है भाई, किस तरह से बादल छाए हुए हैं सारे में, देखो बादल घूम रहे हैं सारे में, ये देखो सामने। और ये भी भैरवनाथ के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है भाई, जो रोपवे चली है ना भैरवनाथ के लिए, भैरवनाथ मंदिर में जाएगी ऊपर, तो उसके लिए लाइन लगी हुई है सारी। ये लिखा हुआ अभी सामने, 4 घंटे निःशुल्क लंगर। ये देखो यहाँ अर्धकुमारी भी लिखा हुआ है, ये अभी हम अर्धकुमारी पे वापसी में पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ताराकोट के रास्ते जाएंगे, अभी ये वाला रास्ता नीचे जाएगा ताराकोट, और ये रास्ता जाएगा ऊपर भवन की तरफ यहाँ से। देखो भाई नीचे से ना एकदम किस तरह बादल आया ऊपर, ये देखो बादल की स्पीड देखो आप, किस तरह से ऊपर आ रहा है देखो, इस तरफ आपको मौसम साफ दिखेगा, इस तरफ से नीचे से एकदम आया ऊपर एकदम, ये देखो अभी सारे में फैल जाएगा। वापस में हमने लगभग अर्धकुमारी से नीचे 1 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं भाई, और यहाँ पे आएगी एक सुंदर सी वाटिका, वाटिका आपको दिखाएंगे भाई। यहाँ ना रास्ते में 2 वाटिका आती है, एक तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, दूसरी है 4 किलोमीटर आगे। जो 3 किलोमीटर आगे है वो मैंने छोटी वाटिका थी, वो मैंने आपको दिखा दी थी पहले जब हम ऊपर आए थे, उस टाइम दिखा दी थी। अभी नीचे जाते वक्त आपको दूसरी वाटिका दिखाऊंगा, बड़ी सुंदर प्यारी सी वाटिका बनी हुई है भाई, दोनों आप देखोगे ना आपका भी मन उत्सुक होएगा, क्योंकि यार हम भी वैष्णो देवी चलते हैं, रास्ता इतना प्यारा है भाई, बहुत प्यारा बढ़िया रास्ता है। अभी भाई यहाँ नहीं कुछ भी मिला बेगनर वाला, भी खत्म, जीरो बेगनर वाला, जीरो। ये दिख रहा है ना पीछे बीकानेर वाला, जीरो निकला आ रहे, तो इस पे नहीं कुछ भी मिला भाई, उठ के जाना पड़ा वापस। क्या कह रहे राजवीर, राजवीर कह रहे इसके ऊपर लिख दो राजू टी स्टॉल, बीकानेर वाला की जगह राजू टी स्टॉल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ समोसे और ब्रेड पकौड़े हैं, बाकी कुछ नहीं मिला यहाँ, समोसे भी तो वो हमने खाया नहीं भाई, क्योंकि
जो तड़ा हुआ ना भाई वो कम कर दिया मैंने भी खाना, कपिल जाना कपिल चौहान उसकी तरह मैंने भी वेट कम करना है इसलिए कम कर दिया। यही है वो पहली वाटिका भाई, देखो आप अगर ऊपर से आओगे तो पहली है, नीचे से आओगे तो दूसरी है। यहीं पे सुबह फाउंटेन वगैरह चले हुए थे, सुबह मैंने आपको दिखाए थे। एक वाटी के आगे है वो दिखाएंगे आपको। ये आई है भाई यहाँ पे नवग्रह वाटिका, अब इसके अंदर से चलते हैं, इसके अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। वाटिका वाकई में प्यारी बनाई हुई है देखो आप। और यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट है, ये है सामने व्यू पॉइंट, अभी वहाँ चलते हैं एक बार देखते हैं नीचे का व्यू कैसा आएगा वहाँ से। तो इस साइड से होके चलते हैं। आ जाओ क्या यार, बाकी जो हमारे मेंबर हैं वो आ रहे हैं देखो सामने। तो अभी यहाँ से चलते हैं भैया इस साइड में, आओ चौहान साहब चलते हैं, व्यू देखते हैं नीचे का कैसा व्यू है। लोहे का पुल है भाई ये, यहाँ पे ये नीचे वो रास्ता नीचे जाता है। और यहाँ से देखो भैया, अरे क्या बात है सर, क्या व्यू है भाई कटरा का, ये देखो वो है कटरा सामने। तो यहाँ से भाई ये रास्ता जाएगा वो नीचे, ऐसे घूम के सारा सीढ़ियों का रास्ता है, धीरे धीरे चलेंगे भाई। यहाँ पे भाई ये कुछ इस तरह का बना हुआ है देखो, निशान से बनाए हुए हैं, धनुष टाइप कुछ बना रखा है, अपनी समझ से बाहर अभी क्या बना रखा है, कहीं स्टार बनाया भाई, कहीं एरो का निशान बनाया, कहीं चांद बनाया वो पीछे। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ व्यू है। अभी यहाँ से चलते हैं मेन रास्ते पे नीचे, और इस रास्ते से ना वाटिका के रास्ते से हमारा 500 मीटर का रास्ता भी कम हो गया भाई। अभी यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे, ये देखो मेन रोड आ गया वो जिससे हम ऊपर आए थे। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं वापस ताराकोट, और आज की जो हमारी यात्रा थी वो पूरी संपन्न होगी। सारी यात्रा हमने पैदल की है चल के, कोई घोड़ा नहीं कोई कुड़ी नहीं भाई कुछ नहीं, दोनों तरफ यात्रा पैदल की है। तो अभी यहां से जाएंगे अपने होटल की तरफ, बाकी बातें आपको होटल में जाके करेंगे। बारिश जैसे रुकेगी भाई उसके बाद हम यहां से निकलेंगे, अभी बरसात ज़्यादा शुरू होगी तो वेटिंग रूम में बैठे हैं, ये यहाँ पे वेटिंग रूम। ये है ताराकोट गेट से जब आप एंट्री करोगे ना वहाँ पे वेटिंग हॉल है, ये बाणगंगा का नहीं है ये ताराकोट का है भाई। तो अपनी यात्रा पूरी है, अब होटल में जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। अभी का सीन क्या है भाई, बैठते हैं यहाँ से ऑटो में और यहाँ से चलते हैं अपने होटल की तरफ, अभी होटल में जाके मिलते हैं आपको। तो आ चुके हैं भाई वापस अपने होटल पे,